हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने जो है तीन आपके जो 2020 की जो मॉडल पेपर पूछा गया था वो हम लोगों ने पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिए थे। उस पेपर का कोड था 346XU था। आज का जो पेपर है उस पेपर का कोड है 346XS। ये भी 2020 का ही मॉडल आपका पेपर है। आप डियर स्टूडेंट, उस क्लास को, उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आज आप लोग इस क्लास को देखेंगे। आइए, आप लोगों को टाइम को ना लेते हुए, आप लोगों के टाइम का नुकसान ना करते हुए अपने क्लास के को स्टार्ट करते हैं। आइए आपके मॉडल पेपर को, आपके 2020 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करोगे आप इसका कुछ ना 80% 90% ज़्यादा से ज़्यादा चांस पेपर आपके इसी से मिलते जुलते रहते हैं। प्यारे बच्चों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करें डियर स्टूडेंट। चलिए, तो हम लोग आपका जो आज का मॉडल पेपर लिए हैं उसका मॉडल पेपर का कोड है 346XS। आइए देखते हैं, सबसे पहले खंड अ की शुरुआत करते हैं। और खंड अ के जितने क्वेश्चन होते हैं सब एक नंबर के होते हैं। डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर कैसे लिखा जाता है बोर्ड के पेपर में, कैसे लिखें कि हमको अच्छे नंबर मिल जाए या लिखने के तौर तरीके मालूम होने चाहिए। तो डियर गाइज, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले उस खंड को उठाना चाहिए या उस प्रश्न को करना चाहिए था जो प्रश्न आपको क्लियर हो। पूरे एक बार आप जो पेपर है उसको आप पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको सबसे अच्छे कौन प्रश्न आ रहे हैं, उसी को बनाइए और उसी को लिखिए। ज़रूरी नहीं है आपको जो है पहला नहीं आ रहा तो आप पहले को इंतज़ार करते रहिए। प्यारे बच्चों, आइए चलिए लिखते हैं। सबसे पहला है खंड अ का प्रश्न, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ये एक नंबर का पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है बेवर। क्या है? बेवर। दूसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर। तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर है। चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, ये है डियर स्टूडेंट। आइए, अब प्यारे बच्चों, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा कि जो आप लोग तुक्का लगाने लगते हो कि चलो यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो डियर गाइस, तुक्का लगाने से आपके एक नंबर चले जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो आपको बताया गया है कि किसी बंद पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। डियर स्टूडेंट, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला बताया गया है फाई ई बराबर ई इंटू कितना होता है डी ए होता है, ई इंटू कितना होता है डी ए। अब ई ई बराबर आप जानते होंगे, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। एफ अपान क्या होता है? क्यू नॉट। तो हम यहाँ पर ई के स्थान पे रख देंगे एफ अपान क्यू नॉट इंटू डी ए आ गया। ठीक, इंटू क्या आ गया? डी ए आ गया। डियर स्टूडेंट, अब एफ को हटाएंगे तो आपने पढ़ा है डब्लू यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, डब्लू बराबर एफ इंटू डी। अगर हमको यहाँ से एफ निकालना हुआ तो एफ बराबर हो जाएगा, इसको डी हम इधर कर देंगे तो डब्लू अपान डी, यानी हमको एफ का मान मिल जाएगा डब्लू अपान डी। हम इसको यहाँ रख देंगे, एफ के स्थान पे क्या रख देंगे डब्लू अपान डी। तो ये डी इंटू कितना आ गया? क्यू नॉट इंटू क्या आ गया? डी ए आ गया। अब आप W V बराबर पढ़े हैं W अपान Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो W बराबर कितना मिल जाएगा? V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। तो W का मान रखेंगे V इंटू क्यू बटे D इंटू क्यू नॉट इंटू डी ए। अब सबका मात्रक रखिए, तो V V क्या है? विभव है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। Q Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। बटे डी, डी क्या है? दूरी है, विस्थापन है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्यू क्या है? आवेश है। इसका भी मात्रक क्या होगा? कूलाम इंटू डी ए, डी ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएंगे और एक कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गए, यहाँ एक मीटर बचा। क्या बचा?
वोल्ट मीटर। क्या बचा भैया? वोल्ट मीटर। यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपके क्या है, करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट आप इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले का क नंबर आपने कर लिया, अब पहले का ख नंबर है। ख नंबर क्या है डियर स्टूडेंट? एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। क्या कर रहे हैं? एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को, एक कोई तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, 24 ओम है, उसको हम लोग किस में जोड़ते हैं, समबाहु त्रिभुज में जोड़ते हैं। किस त्रिभुज में जोड़ते हैं? समबाहु त्रिभुज में जोड़ते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज यानी ऐसी त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो ये नाम दे दिए R1, ये R2, ये R3, ये A, ये B, ये C। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि 24 ओम वाले प्रतिरोध, ये जो तार तीनों मिला के आपने जोड़ा है, सभी का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध आपको दिया है 24 ओम। कितना दिया है? कुल प्रतिरोध 24 ओम। अब हमने कहा प्रत्येक तार पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक तार पर प्रतिरोध हो जाएगा, प्रत्येक तार पे प्रतिरोध हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा, 3। 3 सिरे हो गए, भाग कर दिए 8 ओम आ गए। यानी हर एक सिरे पर 8 ओम का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। डियर स्टूडेंट समझिएगा, ये भी 8 ओम आ गए। अब आगे समझिए, सवाल को आगे हल करते हैं। क्या कर रहे हैं आगे कर रहे हैं, तो किन्हीं दो शीर्षों के मध्य, किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य क्या होगा, प्रतिरोध इनका ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट आइए, कोई भी दो शीर्षों के मध्य प्रतिरोध, तो सबसे पहले देखिए जो R1 और R2 है, अगर इनको खोल दिए जाए तो ये किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है अतः प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। R1 कितना है, 8 ओम है, और R2 कितना है, 8 ओम। 8 कितने हो गए, 16 ओम। कितने हो गए, 16 ओम। ये R बराबर 16 ओम आ गया। अब जब ये 16 ओम आ गए, और ये देखिए जो R आया है और ये जो R3 है, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R जो कि 16 ओम आ चुका है, और जो ये आपका R3 है, जो आपका ये R3 है वो किस क्रम में हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएंगे। ये किस क्रम में हो जाएंगे भैया, समांतर क्रम में। किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। ये R3 है, ये R3 का मान कितना है, 8 ओम है। तो ये देखिए ये लिखेंगे, चूंकि अब क्या लिखेंगे, अब देखिए किन्हीं दो सिराओं के बीच, तो ये 16 और ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे चूंकि R व R3 समांतर क्रम में है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R' कर लेते हैं, बराबर 1/R और प्लस 1/R3। 1/R इसलिए लगाया गया क्योंकि जो आपका प्रतिरोध है वो R है डियर स्टूडेंट। 1/R, R का मान कितना है, 16 है, और 1/R3, R3 का मान देख लीजिए कितना है, 8 ओम है। ये 8 हो गए, 1/R'। अब इसी को आगे हम लोग हल करते हैं। आगे आप हल करोगे 16 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएंगे, 16 8 का एलसीएम 16 आएगा, 16 के 16 1 आ गए, फिर क्या हो गया, 8 दूनी 16 तो 2 आ गए, 2 1 प्लस कर दिए कितना आ गया, 3/16 1/R'। R' का मान चाहिए, R' ऊपर जाएगा तो ये 16 भी ऊपर चला जाएगा, तो R' बराबर 16/3 ओम। तो जो ऑप्शन नंबर मिल रहा हो आप वो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार सवाल का समाधान करेंगे डियर स्टूडेंट। ये ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये बी इसका सही होगा, 16/3 ओम इस प्रकार आपको हल करना रहता है। चलिए इसी क्रम का आपका तीसरा नंबर है, ग नंबर। चलिए डियर स्टूडेंट पहले का ग नंबर क्या है, ग नंबर। ग नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में,
यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या लगा हो, प्रतिरोध लगा हो, क्या लगा हो, प्रतिरोध लगा हो, और क्या लगा हो, कुंडली लगी हो, क्या लगी हो, कुंडली लगी हो, ठीक एक्स एल लगा हो, और साथ में कह रहा है संधारित लगा हो, जिसे आप एक्स सी कहते हैं, ठीक लगा हो। आगे कह रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आगे कह रहे हैं आरोपित बोल्टता और प्रवाहित होने वाली धारा आई में कलांतर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है कि जब किसी भी परिपथ में प्रतिरोध आर लगा हो और क्या लगा हो, एक्सएल यानी आपका कुंडली लगी हो और क्या हो, संधारित लगा हो, तब जो इनके विभवांतर और जो धारा होती विभव वोल्टता, विभव ही ये क्या होगी वोल्टता, तो वोल्टता और या वोल्टेज और धारा में क्या कलांतर होगा, तो वोल्टेज और धारा में कलांतर कितना हो जाएगा 90 अंश को हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये तीनों लगे रहते हैं किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में, ऐसे लिखेंगे किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध फिर क्या भैया, कुंडली तथा संधारित लगा होता है तब वोल्टेज व धारा के बीच का कलांतर, कलांतर 90 अंश होता है। ठीक डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपका जो ग नंबर है वो सवाल समाप्त हो जाते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है आपका घ नंबर करें यदि ध्रुवण कोण अल्फा हो, क्या हो, यदि ध्रुवण कोण क्या हो, अल्फा हो, ये घ नंबर है इसका। यदि ध्रुवण कोण क्या हो, अल्फा हो, और क्या कर रहे हैं तथा क्रांतिक कोण क्या हो बीटा हो तो क्या संबंध होगा, तो संबंध क्या होगा। तो दो इसमें ऑप्शन कुछ दिए गए हैं डियर स्टूडेंट, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है टेन अल्फा इंटू कितना है साइन बीटा है इंटू साइन बीटा बराबर कितना है एक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिए हैं, कॉट अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर एक है। फिर कौन सा है, टेन अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर कितना है एक है। ठीक आगे कर रहे हैं कॉट अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर एक, ये लास्ट ऑप्शन है कॉट अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर एक। ठीक आपको इसमें से चुनना है डियर स्टूडेंट कि कौन सा ऑप्शन नंबर क्या है भैया इसका सही है। तो प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट आपको इसमें से चुन के बताने हैं, जरा सा ऑप्शन मिला लीजिएगा कि आपको इनमें से चुन के बताना है कि कौन से सही हैं। यानी जब ध्रुवण कोण क्या हो, अल्फा हो, तो क्रांतिक कोण क्या होगा, तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए डियर गाइस कि क्रांतिक कोण क्या होता है और ध्रुवण कोण क्या होता है। तो आप ध्रुवण कोण भी बताया गया है और क्रांतिक कोण भी बताया गया है, तो इन दोनों में संबंध क्या होता है, इन दोनों में संबंध होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा टेन अल्फा इंटू साइन अल्फा बराबर क्या होता है एक होता है। त्यां कोण क्या है, ध्रुवण कोण अल्फा है तो टेन अल्फा, और क्रांतिक कोण क्या है बीटा है तो टेन अल्फा इंटू साइन बीटा का मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है एक। तो आप इसको लिख देंगे टेन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर एक, ये पहला ऑप्शन लिखेंगे सही हो गया। ठीक आप उसी में टिक ना लगाइएगा, चार लिख के एक टिक लगाया जाता है, नहीं डियर स्टूडेंट आप प्रश्नोत्तर लिखें एक एक का घ, घ का पहला ऑप्शन तो टिक लगा दिए। ठीक तो डियर गाइस ग और घ हो गए, चलते हैं अगले तरफ। प्रज्वल सर पानी पिला देते हैं चलिए ठीक ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है
अंगा नंबर, क्या है अंगा नंबर, अंगा नंबर क्या कर रहा है इसका, एक ही वेग से निम्नलिखित में से, यानी एक वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किसकी, किस कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अधिकतम होता है। तो ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है, एक ही वेग से गतिमान, एक ही वेग से गतिमान कण, गतिमान निम्नलिखित, निम्नलिखित ठीक, निम्नलिखित में से किस कण का, में से किस कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा, तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, अधिक होगा। डियर स्टूडेंट ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपके, ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और अल्फा की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, अल्फा कण की। तो डियर स्टूडेंट आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो आपका वेग है वो समान है, यानी इसका भी वेग, इसका भी वेग और इसका यानी चारों कणों की वेग क्या होगा, समान होगा। तब सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होगा, सबसे ज़्यादा जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगा वो किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर एक और क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए लास्ट इस खंड अ का लास्ट क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं आज, क्या है वो है च नंबर। च नंबर में क्या कर रहे हैं, आइए उसको भी हम लोग समाधान करते हैं। इसका च नंबर, च नंबर क्या कर रहा है गाइस, कर रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है, न्यू है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति दी गई है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, न्यू है, कितनी है, न्यू है। फिर आगे कर रहे हैं तथा निरोधी विभव क्या है, वी जीरो है, तथा निरोधी विभव दिया है, निरोधी विभव इक्वल टू वी जीरो। आगे कर रहे हैं के बीच खींचे गए जो वक्र की ढाल होगी, जो खींचे गए वक्र की ढाल क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट आपको बताना है खींचे गए वक्र की ढाल। तो ध्यान से समझिएगा, इनके बीच, इनके बीच खींचा गया जो ग्राफ खींचोगे तो जो वक्र की ढाल आती है वो सदैव h अपान e के बराबर होती है। h क्या है, प्लांक नियतांक, e क्या है, इलेक्ट्रॉन है, h अपान e के क्या होगी, बराबर होगी। तो जो भी ऑप्शन रहेगा वो आप लगा लोगे। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार ये खंड अ का बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है वो आपके समाप्त हो जाते हैं। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, खंड ब। खंड ब क्या कर रहा है, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है, क नंबर है, कह रहा अवतल लेंस, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। तो चलिए ये कितने नंबर के हैं, एक नंबर के हैं, खंड ब के भी सारे क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो डियर गाइज कभी ये मत प्रयास करना कि एक एक नंबर के क्वेश्चनों को आप लोग एक एक पेज दो दो पेज लिखो, मिलने वाले तो एक ही नंबर है प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग समझते हैं अवतल लेंस की द्वितीय फोकस क्या होती है। तो हमने क्या कहा, आप एक अवतल लेंस बना लीजिएगा, क्या बना लेंगे, अवतल लेंस बना लेंगे। उसके बाद ये आपने बना लिया, फिर क्या बना लिए, ये इसका एक मध्य भाग खींच दिए, फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष खींचते हैं, क्या खींचते हैं, मुख्य अक्ष खींचते हैं, क्या खींचते हैं, मुख्य अक्ष खींचते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप नियम लगा, पहला नियम जानते हैं क्या होता है, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, डियर स्टूडेंट मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब अवतल लेंस से क्या होती हैं, अपवर्तित होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। पर हमको क्या करते हैं, इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, इन किरणों को पीछे की तरफ क्या करने पर, बढ़ाने पर, इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ऐसा लगता है कि वो किसी बिंदु से आ रही हैं।
तो ये जो बिंदु होता है वह बिंदु क्या कहलाता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। डियर स्टूडेंट फिर से समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से आती रहती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाती है। फिर से प्यारे बच्चों एक बार क्लियर कर लीजिएगा, क्या बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कैसे लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट ये हो गए, अगर मान लो आपसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस पूछ लिया तो क्या बताओगे डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को अवतल लेंस का प्रथम फोकस पूछ लिया तब आप क्या बताएंगे, तो धीरे से एक अवतल लेंस और बना लीजिए, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, ये हो गए, फिर आप क्या करोगे, मुख्य अक्ष कर दोगे, क्या करोगे डियर स्टूडेंट, मुख्य अक्ष बना दोगे, ये हो गए इसके मुख्य अक्ष हो गए। अब क्या होते हैं, ठीक, फिर क्या बना लिए प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष बना लिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जिधर की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात का हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वह अवतल लेंस का कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। क्या बताया गया, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जिधर की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के का हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, वह अवतल लेंस का कहलाता प्रथम फोकस, और ये आपका का होगा द्वितीय फोकस। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार दूसरे का आप लोग का नंबर कर सकते हैं, इसको मूव कर देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का ख नंबर, ठीक, ख नंबर क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु और अर्ध आयु में क्या संबंध है वो लिखिए। क्या पूछे हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं अर्ध आयु क्या होती है। अर्ध आयु वह समय अंतराल होता है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपने प्रारंभिक मात्रा का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, वो अर्धायु कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। क्या डियर स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु क्या होती है, कि वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का घटकर आधा हो जाए वो क्या कहलाते हैं, अर्धायु कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, औसत आयु। क्या पूछा है, औसत आयु तथा कौन सा भैया, हाँ, औसत आयु तथा अर्धायु में संबंधित, ऐसे हेडिंग लिखेंगे, औसत आयु तथा
अर्ध आयु में संबंध, अर्ध आयु में संबंध लिख दिए डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम जानते हैं सबसे पहले अर्ध आयु क्या होता है। अर्ध आयु, अर्ध आयु बराबर क्या होता है, अर्ध आयु को हम लोग कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। कैपिटल टी बराबर क्या होता है, 0.6931 अपान कितना होता है लैम्डा। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0.6931 इंटू 1 अपान लैम्डा, कुछ मतलब नहीं हुआ। समीकरण नंबर क्या बना लिए, एक। अब हमको का औसत आयु लिखना है, क्या लिखना है, औसत आयु। औसत आयु को किससे व्यक्त करते हैं, टाऊ से। किससे व्यक्त करते हैं, टाऊ से। टाऊ बराबर होता है 1/लैम्डा, 1/लैम्डा। औसत आयु को कैसे परिभाषित करोगे प्यारे बच्चों, औसत आयु होता है सभी परमाणुओं की आयुओं का योग बटे किसी एक परमाणु की आयु, वही आपका क्या कहलाता है, औसत आयु कहलाता है। तो औसत आयु को टाऊ से व्यक्त करते हैं, टाऊ इक्वल टू 1/ का होता है लैम्डा होता है। अब समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। तो आप समीकरण 2 से 1/लैम्डा का मान टाऊ होता है, समीकरण 2 से 1/लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या रख देंगे, समीकरण 2 से 1/लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, तो t बराबर 0.6931 1/लैम्डा के स्थान पे क्या रख देंगे, टाऊ रख देंगे। तो ये होता है अर्ध आयु तथा औसत आयु में संबंध। तो डियर स्टूडेंट आपका ये ख नंबर भी समाप्त हो जाता है। चलिए ग नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ग नंबर क्या कर रहा है उसको भी हल करते हैं। ग नंबर कह रहा है प्रकाश विद्युत कार्य फलन का अर्थ समझाइए। ग नंबर क्या है, प्रकाश विद्युत कार्य फलन का अर्थ क्या है समझाना है। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी टॉपिक है, क्या करें, प्रकाश विद्युत कार्य फलन को समझाना है। तो डियर स्टूडेंट आप चाहो तो बता सकते हैं, थोड़ी रुक जाइएगा गाइस। चलिए डियर गाइस, प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्यफलन क्या होता है, कि किसी धातु के पृष्ठ से, किसी भी धातु के पृष्ठ से, जैसे आपने क्या ले लिए, ये धातु ले लिए, इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा ही इस पृष्ठ की क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। तो इसी प्रकार जब कोई जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश पड़ने के कारण उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर क्या होते हैं, परिपथ में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार एक वहाँ क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत कार्य फलन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्ज, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखेंगे, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही कार्यफलन कहलाती है।
तो डियर स्टूडेंट इसे W0 या फाई जीरो से व्यक्त भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आप प्रकाश के विद्युत कार्यफलन को आप परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह मात्रा जिसके कारण वो क्या हो जाए उस धातु से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए उत्सर्जित हो जाए तो वह प्रकाश क्या कहलाता है प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाते हैं। इसका अब आइए घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नंबर डियर स्टूडेंट घ नंबर क्या कह रहा है वाटहीन धारा का अर्थ वाटहीन धारा का अर्थ क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट वाटहीन धारा क्या होती है ये बता वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं सबके कहने का मतलब एक ही होता है कि वाटहीन धारा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यदि किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के पश्चात अगर उसमें जो औसत शक्ति क्षय होती है जो व्यय होने वाली औसत शक्ति होती है वो क्या हो जाए शून्य हो जाए तो बहने वाली धारा क्या होती है वाटहीन धारा कहलाती है। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो व्यय होने वाली औसत शक्ति है वो क्या हो जाए शून्य हो जाए तो बहने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर औसत शक्ति व्यय शून्य हो जाए तब बहने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं दूसरे का ग भी दूसरे का घ। अब आइए इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इसको मूव कर देते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट इसी का अंग नंबर क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट अंग नंबर कह रहे हैं विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं या विभव प्रवणता को समझाइए या विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो डियर स्टूडेंट हमने बता के रखा है विभव प्रवणता क्या होता है इसका निगमन भी कराए हैं आप हमारे वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट चेक कीजिए उसमें आपको मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट। तब भी यहाँ बता देते हैं दूरी परिवर्तन के साथ साथ देखिए जैसे आपने ये कोई चालक ले लिया ये कोई तार ले लिए इसमें आप पहले यहाँ थे तो यहाँ विभव V1 हो जाएगा जब दूरी परिवर्तन होगा तो यहाँ विभव V2 यहाँ V3 तो दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में होने वाला परिवर्तन ही का कहलाता है विभव परिवर्तन कहलाता है। तो लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन ही विभव प्रवणता कहलाता है विभव प्रवणता कहलाता है। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध E=2 का होता है -dB/R होता है। तो इस प्रकार आप विभव प्रवणता को परिभाषित कर सकते हैं। इसका आइए च नंबर का कह रहा है चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए किसकी चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता। ठीक ये है आपका क्वेश्चन क्या कर रहे हैं
चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है। तो डियर गाइज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि किसी परिपथ में आई धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, यदि किसी भी परिपथ में आई धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, यदि किसी परिपथ में आई धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, आई धारा प्रवाहित करते हैं, तो चल कुंडली धारा मापी में लगा गैल्वेनोमीटर में थीटा विक्षेपित हो जाता है। जैसे आपने क्या कहा कि ये कोई परिपथ तैयार किए थे और इसमें क्या लगाए थे, गैल्वेनोमीटर में सुई, जैसे ही इस परिपथ में आपने आई करंट फ्लो किया, जैसे ही इस परिपथ में आपने आई धारा प्रवाहित किया और ये जो चुंबकीय सुई थी वो थीटा कोण का हो गए, विक्षेपित हो गए, क्या हो गए, थीटा कोण विक्षेपित हो गए, तो बहने वाली धारा और जितना वो सुई विक्षेपित हुआ है, जो बहने वाली धारा आई और सुई जितना विक्षेपित हुआ है, उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता कहलाता है। तो क्या लिख रहे हैं, यदि किसी परिपथ में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में थीटा विक्षेप हो जाता, गैल्वेनोमीटर में थीटा विक्षेप हो तो बहने वाली धारा या तो प्रवाहित होने वाली धारा तथा विक्षेप का अनुपात, विक्षेप यानी थीटा और प्रवाहित होने वाली धारा यानी आई, प्रवाहित होने वाली धारा आई तथा विक्षेप का थीटा का अनुपात क्या कहलाता है, अनुपात ही धारा सुग्राहिता कहलाती है, धारा सुग्राहिता कहलाती है, क्या कहलाती है, धारा सुग्राहिता कहलाती है। परिभाषा देना चाहते हो, धारा सुग्राहिता बराबर क्या हो जाएगा, प्रवाहित होने वाली धारा आई अपान कितना हो जाएगा, थीटा। तो इस प्रकार आप इसका व्यंजक भी बता सकते हैं। धारा सुग्राहिता की परिभाषा क्या हो गई डियर स्टूडेंट, हमने आपको बता के रखा है, एक बार फिर से बताते हैं कि यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसके कुंडली में अगर उसके जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसको थीटा कोण विक्षेपित हो जाता है, तो दो बहने वाली धारा और जो विक्षेप हुआ है उनका अनुपात ही का कहलाता है, क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता कहलाती है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आपका खंड ब भी समाप्त हो जाते हैं, जैसे हम इसमें आपको लिख के बता रहे हैं, अगर ऐसे आप बोर्ड पेपर में लिखते हैं तो पूरे के पूरे मार्क आपको मिलेंगे, कहीं आपके मार्क नहीं जाएंगे नहीं डियर स्टूडेंट, ऐसे ही लिखना है, देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं, खंड स क्या होता है। तो चलिए अब जो खंड स के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं, क्या हैं प्यारे बच्चों, दो दो नंबर के। तो चलिए क्या है डियर स्टूडेंट, खंड स क्या कह रहा है, एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती तीसरे का क नंबर, जैसे आपको ये लिखना हुआ तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर तीन, क्या लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या तीन, सॉरी गाइस, प्रश्नोत्तर संख्या तीन लिख देंगे और तीन का क्या करना है, क नंबर, तो आप यहीं पर लिख देंगे तीन का क, ठीक ऐसे। अब क्या करते हैं, आइए तीसरे का क क्या है, कह रहा है एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के कलांतर, धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर क्या होता है। तो डियर बच्चों जो कलांतर होता है वो आपको बताना है और साथ साथ में क्या बताना है परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखना है। तो आइए, अच्छी बात है कि आपका जो तीसरे का कह है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको
जब क्या जानते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत परिपथ में क्या लगा होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में क्या लगा रहता है जानते हैं, प्रेरकी। प्रेरकी का मतलब जब किसी विद्युत परिपथ में कुंडली लगा हो, क्या लगा हो, कुंडली लगा हो, क्या लगा हो, जब किसी विद्युत परिपथ में कुंडली लगा हो, लगा हो, तो धारा और वोल्टेज के बीच का, धारा व वोल्टेज के बीच का कलांतर, बीच का कलांतर कितना होता है, 90 अंश होता है। क्या होता है, कलांतर 90 अंश होता है। इसी में दूसरा पूछा है, क्या पूछा है, प्रेरकी की प्रेरण, हाँ प्रेरण प्रतिघात। तो आप ऐसे लिखिएगा, अब सबसे पहले अगर थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनना है तो लिखिएगा प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात क्या हो जाएगा बताइएगा, जब किसी कुंडली में जब किसी परिपथ में कुंडली के कारण धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात कहलाता है। तो प्रेरण प्रतिघात होता है एक्सएल, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ये आप लिख देंगे और ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये तीसरे का क नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग किधर की तरफ प्यारे बच्चों, ख नंबर की तरफ, किधर की तरफ, ख नंबर। आइए उसका भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहीं पर हम लोग अब दूसरा क्या बना देंगे, ख बना देंगे, क्या बना देंगे, ख। आप लोग डियर गाइस वही क मिटा के ख मत करने लगिएगा, दूसरा यहाँ लिखिएगा ख नंबर आगे वाले पेज पर, ठीक। तो ख नंबर क्या कर रहा है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5×10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फिर से क्या कर रहा है, लैम्डा बराबर 5×10⁻⁷ मीटर, कितना है, 5×10⁻⁷ मीटर फोटान की ऊर्जा का मान, फोटान के ऊर्जा का मान यानी ई पूछा है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। तो फोटान की ऊर्जा का फार्मूला आप जानते हो डियर स्टूडेंट, फोटान की ऊर्जा ई बराबर होता है एच न्यू, आप जानते हो न्यू बराबर होता है सी अपान लैम्डा, क्या हो जाएगा, एच सी अपान लैम्डा। एच, एच का मान आपने पढ़ा 6.62×10⁻¹, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं, सी प्रकाश की चाल 3×10⁸। अब लैम्डा, लैम्डा कितना है, 5×10⁻⁷, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, आप यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, 1.6×10⁻¹। अब इसी को हल करना है डियर स्टूडेंट, आप इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, चलिए ये आपको हल करना है। तो देखिए ये ऊपर आ गए 6.62×3=34 में से 8 घटा दोगे 10⁻⁶, कितना आ गया 26। और यहाँ देखिए 5×1.6 ठीक, 6×, अब देखिए 19 और 7 जोड़ देंगे 10⁻⁶, ये दोनों कैंसिल हो गए डियर गाइज। अब इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को हल करने पर आपके आंसर आएंगे प्यारे बच्चों 2.475। इनको हल करने पे 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ई का मान। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आपका तीसरे का ख नंबर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मूव कर लेते हैं। तीसरे का ख नंबर को हटा के क्या करते हैं, अब ग नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ग नंबर। ग नंबर क्या कर रहा है, यदि प्रिज्म का कोण, यदि प्रिज्म कोण क्या हो, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो, यदि प्रिज्म कोण किसके बराबर हो, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो,
तो अपवर्तनांक का तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो यदि करा प्रश्नानुसार प्रिज्म का प्रिज्म कोण क्या है? प्रिज्म कोण किसके बराबर है? विचलन कोण के। किसके बराबर है? विचलन कोण के। तो पदार्थ का अपवर्तनांक तो प्रिज्म कोण ए होता है और विचलन कोण होता है डेल एम। तो ए बराबर क्या हो गया? डेल एम। ये आपका प्रश्न कह रहा है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन का सूत्र, तो पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र, पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र, तो पदार्थ का अपवर्तन एन बराबर आपने पढ़ा है साइन आई प्लस, क्या पढ़े थे? साइन आई नहीं, साइन ए प्लस डेल एम बटे दो। फिर क्या पढ़े थे? पढ़े थे बटे साइन ए बटे दो पढ़े थे, ठीक। अब वो क्या कर रहे हैं? वो आपसे कह रहे हैं कि जो डेल एम है वो ए के बराबर है। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण एक से, समीकरण एक से डेल एम बराबर ए रखने पर, तो डेल एम बराबर क्या रख देंगे? ए रख देंगे। तब क्या होगा? यन बराबर साइन हो जाएगा ए प्लस डेल एम के स्थान पर क्या रखना है? ए रखना है बटे दो पूरे के बटे साइन ए बटे कितना आ गया? दो। अब देखिए ए ए जोड़ दिए कितना आ गया? साइन टू ए बटे कितना आ गया? दो। दो से क्या हो गया? कैंसिल, और ये आपका साइन ए बटे दो बचा है। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं। तो ऊपर क्या बचा है? यन बराबर साइन ए बचा है, और क्या बचा है? साइन ए बटे दो बचा है। क्या बचा है? ए बटे दो। अगर हम इनका फार्मूला बनाना चाहें तो हमको एक फार्मूला पता है, साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कितना? कॉस थीटा। तो आप डियर गाइस ध्यान से समझिएगा जरा सा, साइन देखिए यहाँ क्या है, आपको इसका फार्मूला बनाना है साइन टू थीटा का। तो साइन ए है, क्या है? साइन ए है, तो यहाँ दो की कमी है, तो दो से जब गुणा करेंगे तो दो से क्या करना पड़ेगा? भाग भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? इनको हम लोग दो से गुणा और दो से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। आइए हम इन लोगों को लिख सकते हैं या ऐसे, देखिए साइन टू थीटा बराबर ये होता है, अगर आपको साइन थीटा बराबर लिखना हुआ तो ये दो का भाग हो जाएगा, इसमें किसका भाग हो जाएगा? दो का, इसमें सब में भाग हो जाएगा। तो यहाँ मत करना थीटा का करना, तो क्या हो जाएगा? टू साइन थीटा बटे दो इंटू कॉस थीटा बटे दो। उसी प्रकार हमको साइन ए का फार्मूला लिखना हुआ तो यहाँ क्या लिख देंगे? चलो तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? टू साइन थीटा के स्थान पे ए बटे दो फिर कॉस ए बटे दो, यानी ये फार्मूला हम यहाँ रख सकते हैं। तो रखेंगे तो यन बराबर क्या आ जाएगा? साइन ए, ए बराबर क्या है? तो रखिए टू साइन ए बटे दो इंटू कॉस ए बटे दो, पूरे के बटे कितना है? साइन ए बटे दो। ये कैंसिल हो गया, एन बराबर कितना आ गया? टू कॉस ए बटे दो। ये आपका कंप्लीट हो गया सवाल, कौन सा? दूसरा, तीसरे का ग नंबर। डियर गाइज इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं, घ नंबर की तरफ। किसकी तरफ प्यारे बच्चों? घ नंबर की तरफ। घ नंबर क्या कर रहा है? इसको मिटा के आप लोग क्या करिए? घ नंबर बनाइए। घ नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित तर्क द्वारा के निर्गत वाई के लिए बुलियन व्यंजक ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको एक गेट तर्क द्वार बनाया गया, गेट बनाया गया है, ठीक। वो गेट बना लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो डियर स्टूडेंट ये ए है, ये बी है। आप अगर इस गेट को देखेंगे, इस गेट को देखने के बाद आपको क्या कर रहा है कि बुलियन व्यंजक बताना है। क्या बताना है? बुलियन व्यंजक बताना है। तो डियर स्टूडेंट ये दो ठो निवेशी होते हैं जिसे आप इनपुट कहते हैं, एक क्या होता है? निर्गत होता है जिसे आप आउटपुट कहते हैं। यहाँ ए और बी इनपुट है, वाई क्या है? आउटपुट है। तो आपने पढ़ा होगा, जब इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर बनाया गया, यहाँ देख रहे हैं एक क्या है, यहाँ वाई डैश है। ये आप वाई डैश भी मान सकते हैं और नहीं मानना तो मत मानिएगा। तो यहाँ देखिए इसमें दो गेट हैं, एक है पूरा मिल के, ये पूरा गेट क्या है?
आप देख रहे होंगे दो निवेशी और एक निर्गत है, तो ये कौन सा गेट हुआ? नंद गेट। कौन सा गेट हो गया? नंद गेट। क्या हो गए? नंद गेट। ये कौन सा तर्क द्वार हो गया? नंद तर्क द्वार हो गया। अब नंद गेट क्या होता है, नंद गेट क्या होते हैं, या नंद गेट की बुलियन व्यंजक क्या होती है, सतता सारणी क्या होती है, तो इस प्रकार के तर्क द्वार का इस प्रकार के तर्क द्वार जो है दो गेटों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है आपका क्या होता है एएनडी, एक आपका होता है एनओटी। क्या होता है? एक एनओटी होता है और एक क्या होता है, हाँ सॉरी भैया, हाँ तो एक क्या होता है एनओटी। नंद गेट का जो निर्माण होता है, या लिखेंगे इस प्रकार के गेट, इस प्रकार के गेट एनओटी तथा एएनडी गेट के संयोजन से बनता है, के संयोजन से बनता है। ये आप ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। अब इसकी क्या करना है, बुलियन व्यंजक लिखना है। क्या लिखना है? बुलियन व्यंजक लिखना है। तो बुलियन व्यंजक क्या होगा वो ध्यान से समझिएगा। बुलियन व्यंजक, तो बुलियन व्यंजक हो जाएगा वाई बराबर ए इन डॉट बी, ए डॉट बी ऊपर से ये हो गए। आप क्या इसको पढ़ोगे? क्या आप सोचो इसको पढ़ोगे क्या? हाँ इसे पढ़ो कैसे लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसे कहते हैं नेगेटेड। क्या कहते हैं? नेगेटेड, यानी ए और एंड बी, ए एंड बी नेगेटेड इक्वल वाई। क्या लिखेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे? ए एंड बी, ए एंड बी नेगेटेड इक्वल वाई। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए एंड बी नेगेटेड इक्वल्स y। इस प्रकार आपकी इसकी बुलियन व्यंजक लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका जो तीसरे का घ नंबर और जो खंड स है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो डियर गाइज, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। गाइज, आप ही लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं और आप लोग वीडियो देख लेते हैं और न तो लाइक करते हैं न तो शेयर करते हैं। आपको पता है लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता डियर स्टूडेंट, तो आप लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ में शेयर कर दीजिएगा। अगले जो इस पेपर के जो कोड हैं 346XS कि जो अगले खंड है वो हम लोग अगले वीडियो की क्लास में बता देंगे। डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो पसंद लगा करें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें कि सर यहाँ हमको नहीं समझ आया, यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको ज़रूर समाधान करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में किसकी ज़रूरत है, क्या आपको पढ़ाया जाए कि जिससे आप 15-20 दिन की पढ़ाई में 80-90% नंबर ला सके। ठीक, तो नमस्कार सॉरी धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। परीक्षा आपका नज़दीक है, जम के मेहनत करते रहो बच्चों।